हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर। न्यू गैजेट नगरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ लुधियाना करोलबाग से थोड़ा सा हटकर। वो किस लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि काफी भाइयों की रिक्वायरमेंट आ रही थी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग को लेकर आईफोन की। तो मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ आईफोन डॉक्टर सर से, जो कि आईफोन के लिए स्पेशलिस्ट हैं। और स्पेशलिस्ट के साथ साथ वो और क्या क्या पढ़ाते हैं और वो कैसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन का तरीका क्या होता है पढ़ाने का और ऑफलाइन का क्या होता है। और जैसे कि आप हमारे पास देख ही रहे हैं, पीछे काफी आपको टूल्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं थर्मल कैमरा, जो कि आज तक हमारी किसी वीडियो में नहीं था। आज थर्मल कैमरा भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। थर्मल कैमरे के साथ साथ आगे भी टेबल पे काफी सारे टूल्स रखे हुए हैं, ये भी देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए तो हम मिलते हैं सर से और जानते हैं कि इनका पढ़ाने का क्या तरीका होता है। और आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा फीस को लेकर, तो इनकी कितनी फीस रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का हम पता करते हैं। हेलो सर। हेलो सर। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्लीज बताइए कि आप क्या, मतलब आपका पढ़ाने का तरीका क्या होता है और आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं पढ़ाने में। सबसे पहले समीर जी थैंक यू, आपने हमारे यहाँ विजिट किया। वेलकम सर। मेरा नाम अंकुश शर्मा जी, मैं लुधियाना से हूँ। तो मैं ऑफलाइन में काफी टाइम से मार्केट में सर्विस दे रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं इंडिया या आउट ऑफ इंडिया कि हम ऑनलाइन, क्या आप ऑनलाइन आके हमें पढ़ा सकते हो। तो उस सेगमेंट से के लिए 3 महीने से 4 महीने से वर्क कर रहा था जी। तो वो सेगमेंट हमारा रेडी हो चुका है, मैंने 20 वीडियो बनाई है। तो इस ये 20 वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनलाइन आईफोन का कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो में मल्टीमीटर से लेके कंपोनेंट टेस्टिंग, मतलब भाई आप ये कह लो कि बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक लेवल तक लेके जाएंगे। तो मल्टीमीटर से स्टार्टिंग है, उसके बाद कंपोनेंट की नॉलेज, कौन सा कलर कोडिंग है कंपोनेंट का, मल्टीमीटर में कौन कौन से फंक्शन है, मल्टीमीटर में आपका डायोड मोड, ओम्स, अम्पेयर, एसी अम्पेयर, डीसी अम्पेयर, मिली वोल्टेज, वोल्टेज, ये सब इंक्लूड किया है बहुत ही डीपली तरीके से। मतलब इसके ऊपर भी बहुत डीपली जाके बताऊंगा। तो उस ये आपका मल्टीमीटर हो गया, कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट के अलावा आपको स्केमेटिक डायग्राम कैसे रीड करना है, डोंगल्स आ रही है मार्केट में, ZXW की आप मेरे चैनल के ऊपर आके भी वीडियो देख सकते हैं। समीर जी मेरा एक चैनल है जी आईफोन डॉक्टर के नाम से, ठीक है। उसके ऊपर भी यूजर आके किसी को डेमो चाहिए तो हमारे बारे में सर्च कर सकते हैं आईफोन डॉक्टर के बारे में। तो ZXW हो गया, आपकी डोंगल होगी, वोंशिंग जी, इनको यूज कैसे करना है, इसके साथ स्केमेटिक कैसे यूज करना है, किसी भी कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट आप चाहते हो दूसरे मदरबोर्ड से मिल जाए तो वो आप कैसे सर्च कर सकते हो, उसकी वैल्यू कैसे देख सकते हो, तो उसकी कैपेसिटी कैसे देख सकते हो, वो सब डीपली डाला है। तो उसके अलावा अलग अलग सर्किट है आपके आईफोन में। आईफोन में आपका एलसीएम सर्किट हो गया, जिसमें एलसीएम में आपका ग्राफिक आ गया, आपका बैकलाइट आ गया, इसके बारे में पूरी डीपली में जाके वीडियो बनाई है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, चेकिंग कैसे करनी है, विद एलसीडी विदाउट एलसीडी क्या वोल्टेज मिलेगी, कौन सा आईसी एक्टिवेट हो जाएगा एलसीडी लगाने के पहले, उसके बाद कौन, उसके बिना नहीं, कौन सा नहीं काम करेगा, और उसमें उसके बैकसाइड बायोस का क्या काम है, और एक आईक्लाउड को चलने के लिए कौन कौन से आईसी जरूरी है, एक आईफोन को बूटिंग करने के लिए कौन कौन सा आईसी सही होना चाहिए। उसके अलावा आपका वाईफाई सर्किट कैसे काम करता है, उसको कैसे रिपेयर करना है, कितनी हीट पे उठाना है, सब आईसी का अलग अलग डाटा शीट है, उसका उठाने का अलग तरीका है, आपकी हार्ड ग्लू, वाइट ग्लू, ब्लैक ग्लू, उसको रिमूव कैसे करना है, वो ग्लू वाले पेस्टेड आईसी रिमूव इजीली रिमूव कैसे करने हैं, उसकी क्लीनिंग के अलग अलग टिप्स जो कि आपके घरेलू सामान से ही, जो को आपको घर पे मिल जाएगा जी, उन सामान से ही आप वो ट्रिक यूज करके उनकी ग्लू आप रिमूव कर सकते हो। प्री हीटर पे काम कैसे करना है, मेरे पास तो प्री हीटर की भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है और आपको मैं गाइड कर सकता हूँ कि मार्केट में कौन सा प्री हीटर या फोन कौन के प्री हीटर हैं, उसके अलावा और मार्केट के प्री हीटर हैं आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक टूल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। उसके अलावा टूल्स पे आ जाते हैं, थर्मल कैमरा है, आपको क्रिस्टल चेक करने के लिए ओसिलो है, ठीक है। उसके अलावा गन्स में आ जाएं, गन्स में मेरे पास हर तरह की गन है और मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ आप अपने बजट के हिसाब से कौन सी गन ले सकते हैं जी। मल्टीमीटर में बहुत मेरे पास मतलब कलेक्शन, अच्छी अच्छी कलेक्शन है मल्टीमीटर में, नॉर्मल है, उसके अलावा फ्लूक है, हर मतलब हर टूल की मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसके रिजल्ट निकालता हूँ। तो आपको मेरे कोर्स के बाद ईजी हो जाएगा, आप मार्केट में जाके किसी ब्रांड या अनब्रांड के चक्कर में पैसे कभी वेस्ट नहीं कर पाओगे।
क्योंकि मैं मतलब अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों के बेनिफिशियल के लिए सारा दिन टेस्टिंग करते रहता हूँ। आपको आपको आईफोन में एरर आते हैं, आपने एरर क्लियर करने हैं, उसके टूल हैं, आपने ईप्रोम रीड राइट करना है या आई क्लाउड अनलॉकिंग करनी है या उसके अलावा आपने बोर्ड की स्वैपिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास ईप्रोम रीडर है, ईप्रोम रीडर आता है। आपको आईसी उठाने की जरूरत नहीं है, रीड करो राइट करो काम हो जाएगा। उसके अलावा आपने आप नैंड अभी फिक्स नहीं करना चाहते, विदाउट फिक्स किए आपको नैंड टेस्टिंग करनी है, नैंड टेस्टर टूल भी है मेरे पास अलग से। तो ये जितने टूल्स हम लोग यूज करते हैं और स्केमेटिक यूज करते हैं, ये सारा कुछ 20 वीडियोस में इंक्लूड है। मतलब मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और मेरे भाइयों के लिए मैंने जो फीस रखी है बहुत ही रीजनेबल फीस है। ओनली आपको आईफोन के लिए 10,000 पे करना है, 10,000 रुपया फीस रखी है ओनली। तो इसके अलावा मेरा कोई भाई मेरे पास ऑफलाइन आके काम करना चाहता है, यहाँ आके सीखना चाहता है, तो उसकी फीस है 35,000। मेरे किसी ऑनलाइन भाई ने कोर्स ले रखा, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी इच्छा है कि वो आना चाहता है, तो 35 में भी मैं उसकी ऑनलाइन की फीस समीर जी एडजस्ट करके, अच्छा बीच में एडजस्ट कर दूंगा, जो मेरा पहले यूजर है ऑनलाइन वो बीच में एडजस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा बेनिफिट क्या मिलेगा आप, कि अगर जो कोई बिल्कुल फ्रेशर है हमारे भाई, वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पहले ऑनलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन के बाद जब आपकी वो कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग, तो उसके बाद आप ऑफलाइन भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके बाद ऑफलाइन के अंदर जिसमें कि सर बता ही रहेंगे आपके जो वो 10,000 होंगे वो बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। और ये अगर कोई ऑफलाइन आना चाहता है, ये खाली ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये एज ए लैब है, आप आके फोन के पीसीबी के ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं हाई स्पीड पे काम कोई किसी में जाता है कि हाँ मेरे को ये ऐसे काम हाई स्पीड पे करना है, कुछ सेकंड के अंदर अंदर ये उठाना है। अब मेरी वीडियो है चैनल पे ऑडियो के ऊपर, कुछ लोग 7 में ऑडियो आता है, 7 की ऑडियो उठाते हैं तो लेकिन नीचे बेसमेंट करप्ट हो जाती है, हाँ। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है। उसके अलावा मेरे पास और दो सोल्यूशन है उसी ऑडियो को सेफ निकालने के, तो बहुत से सोल्यूशन हैं जो कि आपको मेरी 20 वीडियो में मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन का कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वैसे तो समीर जी ने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8196000013, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो, चैनल का नाम है आईफोन डॉक्टर, जिसमें आपको सबसे पहले वीडियो नंबर 1 पे वीडियो ZHW की वीडियो मिल जाएगी। तो सर कोई अगर ऑफलाइन कोर्स करने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो बोर्ड वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराते हैं क्या? हाँ जी, मैं बोर्ड प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी बोर्ड चाहिए बोर्ड मेरी तरफ से प्रोवाइड होंगे, और स्वैपिंग इसमें इंक्लूड नहीं है 35 में, स्वैपिंग अलग से है, तो स्वैपिंग के अलावा जो रूटीन के फॉल्ट हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, नैंड के सारे एरर, ग्राफिक, मतलब जो आपको मार्केट में रूटीन स्वैपिंग को छोड़ के जितना काम आता है वो सारा मैं यहाँ कवर करवा दूंगा, और आपसे लाइव भी करवा लूंगा, और आपको टूल्स चलाने का मौका भी मिलेगा। सर के पास जो टूल्स हैं काफी हाई एंड अच्छी क्वालिटी के टूल्स हैं, जैसे थर्मल कैमरा लगा लो, आज तक किसी वीडियो में नहीं दिखा, थर्मल कैमरा चलाने का भी मौका मिलेगा। वो सर ये क्यों जरूरी होता है थर्मल कैमरा? सर थर्मल कैमरा में टाइम की बचत है, शॉटिंग आ गई जी, शॉटिंग तो जैसे वैसे निकल जाती है जी, सोजन के कुछ ट्रिक हैं या वैसे कुछ ट्रिक है उससे शॉटिंग नहीं लगती, लेकिन लीकेज सर जल्दी पकड़ नहीं पाते, तो ये लीकेज को भी डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब हल्का सा गर्म है वो हम पकड़ नहीं पाते, हल्का गर्म, हाँ। वो ना तो किसी रोजन से पिघलेगा या कुछ, ना वो आइस स्प्रे से पिघलेगा, हाँ। वो थर्मल कैमरा ही पकड़ेगा उसको। और जैसे कि मैंने अपने 20 वीडियोज में ऐड किया है कॉम्पोनेंट के बारे में, आप कॉम्पोनेंट में जैसे हम जानते हैं कि कैपेसिटर है, आपको समझ नहीं आता कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसके लिए मैंने अलग अलग बहुत ही मतलब एक डेमो डाल रखी है कैपेसिटर को समझने के लिए, उसकी वर्किंग को, तो क्या रीड करता है, किसे नेग्लेक्ट करता है, उसका कौन सा कलर है, वो साइज में कैसा है, और अगर उसको लगे लगे रिपेयर करना है तो आप वाटर डैमेज को कैसे रिपेयर कर सकते हो। फिर आपका रजिस्टर आ गया, रजिस्टर में रजिस्टर का कलर क्या है, कितनी वैल्यू का रजिस्टर कहाँ लगा और कितनी वैल्यू को आप उसकी जगह लगा सकते हो, कितनी उसकी वैल्यू होगी आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ऐसे ही आपका क्वाइल हो गई, क्वाइल को चेक करने के अलग अलग तरीके हैं। मेरे बहुत भाई बंधु ऐसे हैं कि वो क्वाइल की चेकिंग को गलत ही चेक करते हैं, बहुत भाई बंधु ऐसे ही क्वाइल की चेकिंग ही नहीं पता उनको कि क्वाइल की चेकिंग कैसे होती है,
और मैं हर्ट्ज के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, उसके लिए भी अलग से मीटर है फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ कॉइल्स का ऐसा है कि आप फ्रिक्वेंसी से उनका क्लियर कर लोगे ये कॉइल सही है या खराब है, क्योंकि क्वांटिटी सारी कॉइल्स देती हैं, खराब भी देती हैं और सही भी क्वांटिटी देगी, लेकिन सही और खराब वो आपको हर्ट्ज से पता चलेगा या एसी से पता चलेगा। इसके अलावा रजिस्टर हो गए, आपके फिल्टर हो गए, फिल्टर भी कॉइल की फैमिली का है, कौन से सेक्शन में उसको शॉर्ट करना है। हाँ, सबसे मेन बात, मैंने बूट सीक्वेंसर डाला है, कुछ भाई मित्र मेरे को फोन करते हैं कि हम ऑन करते हैं हमारा फोन 52 पे अटक गया, हमारा फोन 60 पे अटक गया, हमारा 70 पे आ गया, बूटिंग नहीं ले रहा। तो बूट सीक्वेंसर डाला है, बूट सीक्वेंसर के थ्रू आप फोन की बूटिंग करवा सकते हो, आपको फॉल्ट पता चले जाएगा। अगर मेरा आप बूट सीक्वेंस को पूरा फॉलो करोगे, उसके 6 से 7 स्टेप हैं, वो सारे बताऊंगा मैं, स्कीमेटिक चाहिए उसके साथ, अगर वो फॉलो करोगे आप कोई भी डेडफोन आईफोन बना सकते हो, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा ओसलो की जानकारी है, ओसलो बोले तो क्रिस्टल जी, आरटीसी उसकी जानकारी है, पावर के फुल सेक्शन है, सारे आईसीयू की वायर डाली है, और नेटवर्क सेक्शन का अलग से एक वीडियो है पूरा कंप्लीट, जिसके थ्रू आप नेटवर्क की सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। तो समीर जी, मतलब काफी है कि वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, हाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भाई भी हमारे जो अपनी शॉप छोड़ के नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं सर से, और जो हमारे भाई आना चाहते हैं तो वो आकर भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको दोनों सुविधा मिल जाएगी। सर अगर कोई लुधियाना आना चाहता है तो वो रहेगा और खाने के लिए? सर जी रहने की तो कोई दिक्कत नहीं है, रहना मेरी तरफ से अकोमोडेशन है, मैंने अलग से रूम रखा हुआ स्टूडेंट के लिए, ठीक है, आपको अटैच बाथरूम है, कोई दिक्कत नहीं, रहने को पूरी फैसिलिटी मिलेगी, और खाने के भी यहाँ कोई असुविधा नहीं है खाने के लिए। खाना पंजाब में तो आपको पता ही है कि हम पंजाब में लंगर लगाने के लिए वैसे ही मशहूर हैं, ठीक है, पंजाब में कोई खाने की तो दिक्कत आ ही नहीं सकती पंजाब में, और यहाँ ना मतलब अच्छी क्वालिटी के फैमिली रेस्टोरेंट है और ढाबे हैं, जिसमें आप एक टाइम में 50 से 60 रुपीज में एक टाइम का अच्छा पेट भर के खाना खा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये दिल्ली से भी सस्ता रहने वाला है खाने के मामले में, तो ये बात तो गारंटी है सर। सर रहने की तो कोई टेंशन नहीं है, कोई उसका कोई फीस कोई चार्ज नहीं है रहने का, ठीक है। और जैसे कि सर ने बताया कि इनका भी एक YouTube चैनल है, आप वो चैनल पर जाएं और उसको भी फॉलो करें, और फॉलो के साथ साथ जो सर ने ट्रिक दे रखी है पहले आप वो भी देखें, उसके बाद अगर आप चाहते हैं सर से अगर कॉन्टेक्ट करना, सर ने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया ही है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।